एक भव्य 13 ड्रिलिंग मशीन है जो रिशार्पनिंग करते हैं, रिशार्प करने में काम आती है, ड्रिल रिशार्प करने के लिए। MCV 13D जो 1 से लेके 13 डाई तक रिशार्प हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे रिशार्प करते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसके एक टूल सेलेक्ट करेंगे, ये कोल्टे हैं। इस कोल्टों में से हम लेंगे कौन सी कोल्ट, पहले टूल को सेलेक्ट करेंगे, टूल को चेक करेंगे, मेजर करेंगे कितने का टूल है। ये टूल हमने मेजर कर लिया 8.6 का है। इसके लिए हम एक कोलेट ढूंढेंगे जो इसमें फिक्स बैठ जाए। हमने इस कोलेट को ले लिया, इसको वापस बंद किया, फिट करने के बाद इसको ऐसे हमने लगाए। अब इसकी हाइट को मेजर करेंगे, यहाँ से इसको लूज करेंगे, इसको अंदर इनपुट करेंगे और इसके सेंटर पे यहाँ पे टच करा के ये डायमीटर इसको देखेंगे। डायमीटर हम सेट कर देते हैं इसके सामने, एरो के सामने 9.5। अब इसको हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे टाइट करके देखेंगे, ये फिक्स हो गया, ये कहीं नहीं हिलेगा। ये इसको अब फुल टाइट कर लेंगे। फुल टाइट करने के बाद इसको कनेक्ट ये लिए, यहाँ पे लगाए, स्विच ऑन किए, टाइट आ गई। अब हम इसको एंगल चेक करते हैं कितने डिग्री पे हमें रिशार्प करना है। तो एक करवाइट कर रहे हैं, इसको हम 130 डिग्री पर रिशार्प कर रहे हैं। इसको दिखा दो, इसको खोल के कैसे करते हैं। इससे मतलब इससे खोल कर इससे सेट करते हैं, मूव करते हैं, इससे सेट कर देते हैं, मूव करा के इधर उधर घुमा के उसके बाद इसको चेक करेंगे। अब इसको मैनुअली हम देख लेंगे कि हमारा सही है पोजीशन ड्रिल नहीं। इसके बाद इसे थोड़ा सा बैक करेंगे, सप्लाई ऑन करेंगे और इसको हम रिशार्प करते हैं। दूसरे घुमाने के लिए सैरो के अपोजिट जाएंगे इधर को और ऐसे फिर से इसमें लगाएंगे और एरो के सामने टच कराएं और ये रिशार्प होना चाहिए। ये रिशार्प हो गया, यहाँ पे निकालेंगे, कट लग चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे जाएंगे और इस एरो के सामने, इसका एरो है यहाँ पे, इस एरो के सामने इसको इसको हम आराम से इसके बाद इसके अंदर लगाएंगे, हल्का हल्का बस, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। इसके बाद इसके अपोजिट घुमाएंगे, ज़्यादा घुमा दिए फिर भी ठीक है। इसके लास्ट में अंदर देंगे, इसका रिले टेंगल करेंगे, घुमाए, ये गड़बड़ी हो गई।